दरभंगा में एक थाना को असामाजिक तत्वों द्वारा जलाने का किया गया प्रयास। इधर सीसीटीवी फुटेज में हुई वारदात कैद। नगर पुलिस अधीक्षक ने कहा जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी कर की जाएगी कार्रवाई। जी हां, बिहार के दरभंगा जिला में मोड़ो थाना में असामाजिक तत्वों के द्वारा आग लगाने का प्रयास किया गया। इस वारदात की पूरी घटना थाना में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलते ही नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार मौके पहुंचकर जांच शुरू कर दी। वहीं सीसीटीवी कैमरे में फुटेज में एक व्यक्ति आपत्तिजनक सामान लेकर थाना परिसर में प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाता है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे में दिख रहे व्यक्ति की पहचान में जुटी है। वहीं नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने बताया कि आज मध्य रात्रि में मोड़ो थाना अध्यक्ष के द्वारा सूचना दिया गया कि मोड़ो थाना के परिसर में असामाजिक तत्व के द्वारा आग लगाने का प्रयास किया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि थाना अध्यक्ष ने यह भी बताया कि यह घटना थाना के रिजर्व गार्ड के सहकर्ता से। वहीं उन्होंने कहा कि इस घटना की सूचना पर वरीय पदाधिकारी मौके पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दिया है। इधर सागर कुमार ने बताया कि थाना में लगे सीसीटीवी फुटेज को अवलोकन किया गया है। फुटेज में घटना की कड़ी करते हुए एक युवक 12:21 से 12:54 पर उसकी गतिविधि सीसीटीवी में संपूर्ण रूप से कैद हो गई है। उसकी पहचान करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस घटना को क्यों किया गया है, संतरी या ओडी पदाधिकारी के द्वारा शीघ्र ही हम इसकी जांच कर रहे हैं। किसी प्रकार का अगर कर्मी सत्कर्ता में दिखाई देती है तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मध्य रात्रि में मोरो थाना के द्वारा सूचना दिया गया कि मोरो थाना के परिसर में और सामाजिक तत्व के द्वारा आग लगाने का प्रयास किया गया है। और यह भी सूचना दिया गया कि थाना के रिजर्व गार्ड के सक्रियता से बड़ी घटना को रोकने से जो है बचाया गया है। और इस सूचना को पा करके वरीय पदाधिकारी यहां पर पहुंचे एवं घटना की छानबीन शुरू की गई। घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया। सीसीटीवी फुटेज में घटना कारित करते हुए एक युवक 12:21 से 12:54 के बीच उनकी गतिविधि सीसीटीवी में संपूर्ण रूप से कैद हुई है। उसकी पहचान कराने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इस घटना को बचाने के लिए क्या प्रयास किया गया संतरी के द्वारा या ओडी पदाधिकारी के द्वारा, इसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं। किसी प्रकार का अगर सतर्कता का कमी परिलक्षित होता है तो जो विधि सम्मत कार्रवाई अनुशासनिक कार्रवाई है वो हम लोग इसमें करेंगे।